सो व्हाट्सअप मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे एंड बढ़िया होंगे। सो मेरे जन, आज कल मैं आप लोग का जो भाई है ना, कुछ इस टाइप से आप लोग को सिर्फ वन क्लिक के अंदर, वो भी फोटो एडिटिंग, कुछ इस टाइप से आप लोग को मैं करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना हार्ड बनाए। ओके मेरे जन, फोटो रूम एप्लीकेशन की मदद से सिर्फ वो भी वन क्लिक के मदद से आप लोग को आज कल मैं कुछ इस टाइप से मैं जो है फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जो है एक प्यारा सा लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कर देना। ओके सो सिंपली आप लोग का जो ओरिजिनल फोटो रहता है ना, तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, अपना जो ओरिजिनल फोटो है ना, तो सिंपली ऐसे मैं क्या कर लेता हूँ, अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेता हूँ। ओके तो मैं ऐसे दो बार ऐड कर चुका हूँ, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, ऐसे अपना लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेता हूँ। ओके देन आफ्टर आप लोग को जो है मैं प्रीसेट प्रोवाइड करूँगा। ओके तो उस प्रीसेट को आप लोग कॉपी एंड पेस्ट तो आप लोग को करने आता ही होगा, तो कॉपी पेस्ट जो आप लोग को कर लेना है एंड आप लोग को कॉपी सेटिंग करने का आप लोग को सिंपली पेस्ट कर देना है एंड वन क्लिक में देखना कितना भौकाल बन जाएगा ये फोटो। सो वन क्लिक के अंदर हमारा फेस का जो टोन है काफ़ी हद तक हो चुका है। ओके देन आफ्टर आप लोग को शेयर पे क्लिक करके इस फोटो को आप लोग जो है डायरेक्टली ले चलना है अपने फोटो रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो मैं ऐसे क्या करता हूँ, डायरेक्टली अपने फोटो रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है मैं आ जाता हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देन आफ्टर हमारा जो फोटो है ऑटोमेटिकली कटआउट होना जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा। ओके देख सकते हो आप लोग, हमारा फोटो कटआउट प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा। जब तक आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, कुछ सेकेंड्स वेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का जो है बैकग्राउंड कटआउट हो जाएगा, तो कोई आप लोगों को कुछ इस टाइप से प्रोसेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को जो यहाँ पर दिख रहा है ना AI बैकग्राउंड, सिंपली आप लोग इस वाले आइकॉन पे जब आप लोग टैप करेंगे ना, तो आप लोग को ना मेरे प्यारे दोस्तों हजारों लाखों में आप लोग को बैकग्राउंड मिलेगा। ओके जैसे कि आप लोग को यहाँ पर लिख के बता चुका है ट्रेंडिंग, जैसे कि आप लोग ये वाला देखिएगा कितना मस्त लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सनसेट के साथ मेरे भाई कितना ज़्यादा भौकाल दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा मतलब हार्ड दिख रहा है मेरी जान। वन क्लिक के अंदर आप लोग का जो है फोटो एडिट हो चुका है। ओके देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा भौकाल तरीके से। ओके इतना सा काम होने के बाद अगर आप लोग और बैकग्राउंड चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पर जेनरेट 4 पर आप लोग को अगेन क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग देखना अगेन आप लोग को लाखों में करोड़ों में बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो ऐसे मैं सिंपली बैक आ जाता हूँ, तो आप लोगों को जो है ना बोक इफेक्ट दिखाता हूँ। ओके मेरी जान बोक इफेक्ट, तो ये रहा मेरी जान बोक इफेक्ट को। ओके तो सिंपली मैं ऐसे क्या करता हूँ, बोक इफेक्ट वाले आइकॉन पे जो मैं टैप कर देता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, बोक इफेक्ट बैकग्राउंड भी आ चुका है। कितना ज़्यादा भौकाल लग रहा है देखने में एंड कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो इतना ही नहीं, आप लोग अगर नीचे जाके अगेन आप लोग जेनरेट 4 पर क्लिक करोगे ना, तो अगेन आप लोग को ना लाखों में बैकग्राउंड मिल जाने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, लाखों में। तो मैं सिंपली ये वाला ले लेता हूँ। ओके एंड इस फोटो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके मतलब एकदम भौकाल तरीके से, सिर्फ वही वन क्लिक के अंदर बैकग्राउंड भी चेंज हमारा साथ एकदम ऑटोमेटिकली, आप लोग को सी भी बैकग्राउंड भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस फोटो को मैं क्या करता हूँ, फेस स्मूथ करने के लिए सिंपल यहाँ से मैं शेयर वाले आइकॉन पर जो है मैं क्लिक करके इस फोटो को ले चलता हूँ डायरेक्टली अपने स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके तो सिंपल यहाँ से मैं स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। देन आफ्टर आप लोग को नीचे के साइड में दिख रहा होगा टूल का आइकॉन, तो सिंपली मैं टूल वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ एंड पोर्ट्रेट पे सबसे पहले आप लोग को चले जाना होगा, पोर्ट्रेट पे सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, पोर्ट्रेट पे ना अगेन टूल पर आप लोग को चले जाना होगा एंड यहाँ से आप लोग को सिलेक्टिव ले लेना होगा। ओके सिलेक्टिव लेने के बाद आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक सा है सिंपली वहाँ टैप करके हल्का सा आप लोग को जो है ब्राइटनेस इंक्रीज कर देना। ओके एंड फोटो को HD क्वालिटी में करने के लिए डिटेल पे आप लोग को चले जाना होगा एंड शार्पनिंग को जो है 100 कर देना। ओके फेस स्मूथ के लिए अगेन टूल पर चले जाना है आप लोग को, लेंस ब्लर पर आप लोग को चले जाना होगा, लेंस ब्लर पे जाने के बाद आप लोग को छोटा करके आप लोग को साइड में रख देना है, इसका ब्लर स्ट्रेंथ जो आप लोग को 3 के अराउंड आप लोग को रख देना है। ओके 3 के अराउंड आप लोग को रखने के बाद अगेन आप लोग को इस वाला आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, इस वाला आइकॉन पे जाने का व्यू एडिट्स वाला आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा एंड इस वाला आइकॉन पे क्लिक करके टैप कर देना है। ओके देन आफ्टर आप लोग को क्या करना होगा, ओके यहाँ से इन्वर्ट कर लेना है, देख सकते हो आप लोग अपने फेस को जूम करना एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को अप्लाई कर देना। ओके देन आफ्टर आप लोग का जो फेस स्मूथ होगा ना एकदम भौकाल तरीके से होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जिस टाइप से आप लोग का भाई जितना प्रोसेस बताया ना, वो प्रोसेस को आप लोग फॉलो करोगे ना, तो आप लोग भी ना
सीबी फोटो एडिटिंग के किंग बन जाना और वन क्लिक के अंदर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो आए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद होगा, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक बाय।